खरगोन जिला प्रशासन द्वारा मिलावट मुक्ति अभियान के अंतर्गत जिले के औद्योगिक क्षेत्र निमरानी में दूध उत्पादन से जुड़ी इंडस्ट्रीज पर राजस्व विभाग सहित खाद्य सुरक्षा, खाद्य आपूर्ति और श्रम विभाग ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के लिए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा करीब 5 दिनों से रेकी कराई जा रही थी। बुधवार को पुख्ता जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। मौके से डिप्टी कलेक्टर ओम नारायण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निमरानी की मॉडर्न डेयरी पर करीब 8 बजे अमला पहुंचा और कार्यवाही प्रारंभ की। कार्यवाही के दौरान बड़ी मात्रा में सल्फरिक एसिड सहित नाइट्रिक एसिड पाया गया। ये दोनों ही तरह के एसिड बिना लाइसेंस के उपयोग में लाया जाना पाया गया है। साथ ही 50-50 किलो की 2 यूरिया बोरी भी बरामद हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंडस्ट्रीज से कुल 9 सैंपल लिए गए हैं। इसमें 4 मिल्क पाउडर के, 3 घी के और 1-1 दूध तथा बटर के लिए गए। परिसर के भीतर से 1 घरेलू सिलेंडर और 4 सिलेंडर बाहर से जब्त किए गए हैं। सिंह ने बताया कि श्रम अधिनियम के तहत भी प्रकरण बनाया गया है। जब्त सामग्री एकत्रित कर परिसर के एक कक्ष में रखकर सील किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कार्यवाही की जाएगी। आज माननीय कलेक्टर महोदय ने 9:30 बजे निमरानी स्थित फैक्ट्री की सूचना दी थी कि वहाँ पर उनको कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी, किसी सूचना मिली थी कि वहाँ पर शायद एसिड और एक्सपायरी डेट के पाउडर का प्रयोग मिल्क प्रोडक्ट में कर रहे हैं। तो इसके संबंध में जब साहब ने मेरे को सूचना दी तो मैंने खाद्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, श्रम विभाग, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस को लेकर के लगभग 11 बजे जो साहब ने टाइम बताया था उस समय वहाँ पर हमने फिर दबिश दी। वहाँ पर जब दबिश दी तो प्राथमिक तौर से जो भी आइडेंटिफाई कर रखा था साहब ने, तो हमने वहाँ पर देखा कि एक दूध के टैंकर में कुछ मिल्क पाउडर एक्सपायरी डेट का वो मिक्स किया गया था और उसके कुछ खाली रेपर भी थे, कुछ भरी भी थे और दूसरे थे। इसके बाद हमने पूरे परिसर में छानबीन की तो काफ़ी मात्रा में मिल्क पाउडर मिला। उसमें से लगभग 650 केजी मतलब 1,95,000 रुपये मूल्य का एक्सपायरी डेट का मिल्क पाउडर हमको मिला। जो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।